तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 4K वाच टाइम यानी कि यूट्यूब चैनल को आप मोनिटाइज करने के लिए क्या आपको चाहिए, 4K वाच टाइम यानी 4000 वाच टाइम होना चाहिए, 4000 घंटा, और साथ में 1 साल के अंदर में आपको करना पड़ता है। तो नहीं हुआ तो अगर 1 साल के अंदर में 4000 घंटा और 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ तो क्या फिर से करना पड़ेगा, उस चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले बताने वाले हैं। तो क्या हम लोग फिर से करेंगे या कब क्या करेंगे, क्या करना होगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कुछ आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारा डाउट आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर, और यहाँ से हम आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे, क्या इसका वॉच टाइम का क्रिटेरिया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे वॉच टाइम आप लोगों को दिखा रहा होगा 28 दिन का, ये एनालिसिस दिखा रहा है 28 दिन का, 216 घंटा, ये 28 दिन में 216 घंटा आया है। और आप लोगों को कब कितने दिन में करना चाहिए, सर इसी वॉच टाइम पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे वॉच टाइम पर क्लिक करते हैं तो आपको ये जो वॉच टाइम है ये खुल जाएगा, कितना वॉच टाइम कब चाहिए। देखिए यहाँ पे 216 घंटा है 28 दिन के अंदर में, और इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो चलिए आपको यहाँ पे खुल जाएगा आपका, यानी कि 30 दिन की या 28 दिन का, 90 दिन का, जितना दिन का आप देखना चाहे देख सकते हैं। मेरा 28 दिन में 216 घंटा है, और 90 दिन में जाए तो 90 दिन में जो यहाँ पे दिखाता है, देखिए 90 दिन का जो घंटा ऊपर दिखाएगा 1000 यानी 1102 घंटा है 90 दिन का, और 365 में जाए तो 365 में यहाँ पे 14000 घंटा दिखा रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो से आया हुआ है। तो शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता, इसलिए मेरा चैनल जो है अभी तक काउंट ये नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग इस बात को क्लियर कर लीजिए, अगर आपको लॉन्ग वीडियो से मोनिटाइज करना है तो आपको एक साल के अंदर में यानी 365 डे के अंदर में आप लोगों को कितना चाहिए, 365 डे के अंदर में आप लोगों को 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए, 4K चाहिए, कितना चाहिए 4K यानी 4000 वॉच टाइम चाहिए। तो आप लोग जैसे मान के चलते हैं कि अगर नहीं हुआ एक साल में तो क्या करें, फिर से करना पड़ेगा। अगर मान के चलते हैं उदाहरण के तौर पर आज हो गया, जैसे आज हो गया 1 जुलाई 1 अगस्त हो गया, मान के चलिए 1 अगस्त को हम 1 अगस्त को चलिए 1 अगस्त को यह वीडियो बनाना स्टार्ट किए, 1 अगस्त को बहुत वीडियो बनाना स्टार्ट किए 2024 में, तो मेरा 2025 में एक साल होगा। तो क्या 2025 मान के चलिए 1 अगस्त 2025 मान के चलिए 1 अगस्त, सेम टू सेम 1 अगस्त 2025 जब आ जाएगा 2025 तक में, अगर 2025 तक में अगर नहीं होता है, 2025 तक में अगर वॉच टाइम नहीं पूरता है तो क्या करें, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो चीज़ को आप लोगों को समझना है। अगर मान के चलिए नहीं हुआ तो क्या करें, अगर नहीं हुआ तो एक ही इसका तरीका है, इसका तरीका क्या है आप लोगों को बता देते हैं। इसका तरीका आप लोग अगर मान के चलिए 1 अगस्त 2025 आने तक में अगर नहीं होता है तो क्या करें, अगर नहीं होगा तो आपको कम से कम जैसे मान के चलिए 1 अगस्त 2025 को नहीं हुआ तो उससे अगला दिन तो आप वीडियो बनाते रहिएगा, यानी 2 अगस्त को बनाइएगा, चलिए 2 अगस्त को बनाइएगा, 5 अगस्त को बनाइएगा, तो आपका जो 1 अगस्त 2024 का जो वॉच टाइम आया होगा, जैसे मान के चलिए उस दिन आया होगा 10 आवर आया होगा, तो 10 घंटा जो है आपको वो माइनस हो जाएगा, मेन में से क्या हो जाएगा। और आपको 2 अगस्त को जो वीडियो बनाएगा अगर उसमें आपको मान के चलिए 50 घंटा आ गया, तो आपको ये वाला जुट जाएगा वो हटेगा, तो देखिए आपको फायदा ही है ना, घाटा नहीं, यानी कि वो आपको शुरू से नहीं पुराना पड़ेगा, नहीं आपको वो पहले वाला वॉच टाइम रहवे करेगा, और अंतिम में जो आप वीडियो बनाइए 1 साल के बाद वाला जो वीडियो बनाते रहिएगा आपका ये वॉच टाइम जुटेगा, और उधर से घटेगा इधर से जुटेगा। तो अगर मान के चलिए शुरुआत में तो कम ही वॉच टाइम हुआ होगा, तो अगर इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो है 1 साल के अंदर में हर लोगों का, सभी लोगों का पूर जाता है, एक ना एक वीडियो आपका जैसे वायरल हो जाएगा तो आपका जो है पूर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे वॉच टाइम एक महीने के अंदर में, मतलब 1 साल के अंदर में 365 दिन के अंदर में आप लोगों को 4K वॉच टाइम चाहिए, 4K वॉच टाइम, उम्मीद करता हूँ समझ गया। आप चलते हैं सब्सक्राइबर के बारे में, सब्सक्राइबर जो है आप लोगों को मिनिमम 1 साल के अंदर में जो ना यहाँ पे 1000 है, मिनिमम 1000, आपको इससे ज़्यादा आपको जो है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, मिनिमम 1000 चाहिए, और इजीली आपको ये पूर जाएगा। आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने पर टेंशन नहीं लेना है, और आपको वॉच टाइम भी बढ़ाने के अपना कंटेंट को यानी अच्छा से अच्छा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आपको अच्छा करना है,
और आपका कंटेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका वीडियो वायरल होने का चांस रहेगा। अगर वीडियो वायरल आपका हो गया तो एक ही वीडियो से आपका वॉच टाइम, सब्सक्राइबर सारा कुछ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फंडा ये मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी अभी भी नहीं समझ में आया है तो मेरा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर आप लोग पूछ लीजिएगा। और आप लोगों को अगर पूछते हैं तो आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो देखने को मिलेगा, वीडियो आप लोगों को हेल्प के लिए बनाएंगे। आप लोगों को हेल्प के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी का हेल्प हो, जैसे मेरा हो तो आपका सब भी सीखे। तो आप सबको सिखाने के लिए हम तैयार हैं, बट आप लोग मैसेज करिएगा वहाँ, तो ज़रूर ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए यह वीडियो कैसा लगा। और आप लोग सच में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वॉच टाइम सब्सक्राइबर मेरा कैसे बढ़ा है इतना कम समय में, तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सब्सक्राइबर है 13,000 कितना हो गया, 13,000। देखिए बहुत कम समय में 13,000 हो चुका है यहाँ पर, 13,000। ये कैसे हुआ शॉर्ट वीडियोस हुआ आप लोगों को दिखाने वाले, ये कैसे हुआ सारा ट्रिक आप लोगों को बताने वाले। ये एक ट्रिक है जो मैंने वाइट स्टूडियो में ऑन किया हूँ, तो इसके लिए आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा, पार्ट टू आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको मेरा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा इतना जल्दी और वॉच टाइम और ये जो आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहा है इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है, तो आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग पार्ट टू कमेंट करते हैं तो आपको पार्ट टू वाला वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।